राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम एनालॉगी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं एनालॉगी से पूछ ले जाते हैं हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, ताकि आप एनालॉगी से बनने वाले क्वेश्चनों को ठीक तरीके से अटैम्प्ट कर लें। सारे क्वेश्चन जो हैं लेटेस्ट हैं, हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, हमने वही क्वेश्चन लिए आप लोगों के लिए। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, और आप लोगों को पता होगा एनालॉगी से काफ़ी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अल्फ़ाबेट संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, शब्द संबंधित बनते हैं, और नंबर संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट संबंधित है, और यहाँ पे हमें RY का संबंध है QZ से। तो जो संबंध RY और QZ के अंदर है, वही संबंध आपको HK और अगले पद में बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे संबंध है R और Y का QZ के साथ। तो आपको क्या ध्यान देना है, R का संबंध है Q से और Y का संबंध है Z से। तो अगर आप देखोगे R के जस्ट एक पीछे चला जाऊँ तो मुझे Q मिल जाएगा, और Y के जस्ट एक आगे चला जाऊँ तो मुझे Z मिल जाएगा। तो आपको संबंध समझ आ गया होगा, एक पीछे जाना एक आगे जाना है। यही संबंध हम लगाने वाले हैं H और K के साथ। तो H में हम पीछे जाएंगे और K में हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो H में अगर मैं एक जस्ट पीछे चला जाऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, G मिलेगा, और K में जस्ट एक आगे चला जाऊँ तो मुझे मिलेगा L। तो GL इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ईजी होते हैं, आपको सारे क्वेश्चनों की इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका एनालॉगी से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन सही हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ उंगली अंगूठी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है, हाथ के अंदर उंगली होती है, उंगली के अंदर अंगूठी होती है। तो इस प्रकार का संबंध किस वाले ऑप्शन में बन रहा है, तो इस प्रकार का संबंध जो है ऑप्शन फर्स्ट वाले के अंदर बन रहा है। चेहरा, चेहरे के ऊपर नाक होती है, और नाक पर हम, आपने देखा होगा महिलाओं के नाक पर नथुनी होती है जो उन्होंने पहन रखी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला बनेगा, चेहरा, नाक और नथनी। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एनालॉगी से देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको नंबर दे देंगे और उनके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, तो वही संबंध आपको फाइंड आउट करना होगा। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 25, और 25 का संबंध है 15625 के साथ। तो क्या संबंध बन रहा होगा इनके बीच में, वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में बनाना है। देखो 25 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 15625। तो यानी कि जो संबंध है वो क्या संबंध है, क्यूब का संबंध है। तो उसी प्रकार से अगर मैं 30 का क्यूब कर दूं तो 30 का क्यूब होता है 27000। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको क्यूब की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को 30 से 40 सेकेंड के अंदर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 शब्द संबंधित है। यहाँ पे आपको सेब का संबंध बता रखा है फल से है, तो उसी प्रकार पालक का संबंध किससे होगा, तो पालक का संबंध होगा सब्जी से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 संख्या संबंधित क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 4 और 20 के बीच में संबंध है, तो वही संबंध आपको 8 और नेक्स्ट पद में बताना है। देखो 4 और 20 के बीच में क्या संबंध है, अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यही करना है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से हमें 40 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कॉमन नंबर 5 लेके चलना है मल्टीप्लाई के लिए, यही ये लॉजिक है। अगर आपके पास इस क्वेश्चन कोई और लॉजिक है तो आप वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए हैं 36 और 84, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है, तो वो संबंध निकालना है, ऑप्शन में चेक करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है 36 और 84, हम 36 और 84 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ और इस 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 36 मिल जाएगा,
और इस 12 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 84 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 12 कॉमन, उसको 3 और 7 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि वो कौन सा कॉमन नंबर हो सकता है जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें 3 और 7 को और हमें सेम रिजल्ट मिल जाए। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन फर्स्ट वाले को, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है 27 और 63। अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 27 मिल जाएगा, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 63 मिल जाएगा। यानी कि जो हमारी कंडीशन है, जो लॉजिक है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपके पास कोई और लॉजिक है तो आप उसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें किताब और शब्दकोश दे रखा है। तो शब्दकोश क्या होता है? ये एक प्रकार की बुक्स ही होती है जिसके अंदर आप किसी का भी मीनिंग देख सकते हो। उसी प्रकार सरीस्पर्श और पाइथन, पाइथन एक प्रकार के पार्ट ऑफ द सरीस्पर्श होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये क्वेश्चन जो है नंबर संबंधित आया हुआ है। 4 और 32 दे रखा है, इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है? वही संबंध आपको विकल्प में चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 4 और 32 गिवन है, तो हम 4 से 32 कैसे बना सकते हैं? अगर मैं 4 का क्यूब कर दूँ, अगर मैं 4 का क्यूब कर दूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 64 मिल जाएगा। और इस 64 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, पहले नंबर का क्यूब करना है, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है, जिससे कि हम सेकेंड नंबर प्राप्त कर लेंगे और हमारा लॉजिक मिल जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाने वाले हैं अपने ऑप्शन के अंदर, और चेक करते हैं किसके अंदर ये लॉजिक सही बैठेगा। तो हम ऑप्शन 4th वाला यूज़ करेंगे, 6 का। अगर मैं 6 का क्यूब करूँ तो कितना होता है 6 का क्यूब? 216 6 का क्यूब होता है। और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 0, 2 8 16 होता है, तो यानी कि 108 में मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, और हमारा लॉजिक भी सही हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको एनालॉजी के अंदर नंबर्स वाले क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ये क्वेश्चन जो है अल्फाबेट संबंधित आया हुआ है। पहले पद का संबंध दूसरे पद के साथ है, और इनके बीच में जो संबंध होगा वो संबंध आपको तीसरे और चौथे पद में बनाना होगा। देखो पहले और दूसरे पद में क्या संबंध हो रहा है, यहाँ पे हमें गिवन है बी, ई, सी और डी। इनका संबंध किसके साथ है? वाई, वी, एक्स, डब्ल्यू। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे इसको, बी का अपोजिट होता है वाई, ई का अपोजिट होता है वी, सी का अपोजिट होता है एक्स, और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। अगर आपको अपोजिट लेटर पता होंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आपको अपोजिट लेटर बताना है डी, जी, ई, एफ का। तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ठीक है, जी का अपोजिट होता है टी, ई का अपोजिट होता है वी, और एफ का अपोजिट होता है यू। तो यानी कि डब्ल्यू, टी, वी, यू इसका राइट पद बनेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें दिया गया है ऊष्मा और सूर्य। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? हीट प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। उसी प्रकार फल से हमें विटामिन प्राप्त होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो शब्द संबंधित क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यानपूर्वक कर लेना, बहुत ईजी होते हैं, 10 से 12 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो पेपर के अंदर अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है आपको। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें नंबर गिवन है, और आप देख सकते हो पहला पद और दूसरे पद के बीच में कोई ना कोई संबंध है, तो आपको वही संबंध तीसरे और चौथे पद के बीच में बनाना है। देखो कैसे करेंगे, 29 और 13 के बीच में संबंध बनाना है आपको। तो क्या संबंध बन सकता है? अगर 29 में से मैं कॉमन नंबर 3 को माइनस कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इस 26 को मैं कॉमन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 13 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये लॉजिक लेके चलना पड़ेगा, 3 से माइनस, 2 से डिवाइड, तो आप अपना फोर्थ पद प्राप्त कर सकते हो। तो हमें गिवन है 37, इस 37 में से पहले मैं 3 को निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 34 बच जाएगा। इस 34 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 17 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और आप देख सकते हो सीजे में पूछा गया था 2019 में वाला क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस लॉजिक लगाने आना चाहिए,
ठीक है। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 जो है अक्षर संबंधित आया हुआ है। जिस प्रकार से पहले और दूसरे पद के बीच में संबंध है, वही संबंध आपको तीसरे और चौथे में बनाना है। देखो पहले और दूसरे के बीच में क्या संबंध बन रहे हैं, यहाँ पे मैं अक्षर गिवन है एम एन ओ पी, इसका संबंध है एल ओ एन क्यू के साथ। देखो क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं एम में से जस्ट एक लेटर निकाल दूँ तो मुझे पीछे जाके एक लेटर निकालने पे एल मिल जाएगा। उसी प्रकार एन में अगर मैं एक लेटर ऐड कर दूँ तो जस्ट उसके आगे ओ आता है। उसी प्रकार ओ में से एक लेटर निकाल दूँ तो मुझे एन मिल जाएगा, और उसी प्रकार पी में एक लेटर में डाल दूँ तो मुझे क्यू मिल जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, वन माइनस वन प्लस का आपको सिक्वेंस फॉलो करना है और इसको लगाना है किसके अंदर, एफ जी एच आई के अंदर। तो अगर मैं एफ में से एक लेटर निकाल दूँ तो जस्ट इसके पीछे वाला कौन सा लेटर होगा, इसके पीछे लेटर होगा ई। उसी प्रकार से अगर जी में से मैं एक लेटर ऐड कर दूँ तो जस्ट इसके आगे कौन सा लेटर आता है, जी के आगे आता है एच आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं एच में से एक लेटर निकाल दूँ, जस्ट एक लेटर निकालती एच में से, तो मैं पीछे चला जाऊँगा जी के पास, तो ई एच जी। पहले आप इसको चेक कर सकते हो ऑप्शन के अंदर, अगर इतना कहीं मैच हो रहा है तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है। तो अगर मैं चेक करूँ ई एच जी, ये मुझे ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है, बाकी कोई मैच नहीं करना है, इसलिए मैं इसको टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। इसी तरीके की आपको भी आगे अप्रोच करनी है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें नंबर गिवन है और आपको बताना है जो संबंध पहले और दूसरे वाले पद में है तो वही संबंध तीसरे चौथे में बनना चाहिए, वही और लॉजिक आपको ऑप्शन में चेक करना है। देखो पहले और दूसरे पद में क्या संबंध बन रहा है, यहाँ पे हमें गिवन है 7 और 32, 7 और 32 के बीच में क्या संबंध बन सकता है, किस प्रकार का लॉजिक बन सकता है। अगर मैं 7 के अंदर 1 को ऐड कर दूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या प्राप्त होगा मुझे, 7 और 1 होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, इस 64 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले वाले पद के अंदर आपको एक नंबर ऐड करना है 1, फिर जो भी एडिशन निकल के आएगा उसका स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को फिर आपको डिवाइड कर देना है 2 से, जिससे कि आप दूसरा पद प्राप्त कर लोगे। यही लॉजिक हम लगाने वाले हैं तीसरे और चौथे पद को प्राप्त करने के लिए। तो हम विकल्प में चेक करेंगे ये लॉजिक जो है कौन से वाले विकल्प के अंदर सही बैठ सकता है। तो हम विकल्प उठाएंगे बी वाला और अपना लॉजिक लगाएंगे, तो 13 + 1 करेंगे ये होता है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 196 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 98, यानी कि हमारा जो लॉजिक है ऑप्शन बी में सही बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से लॉजिक सोचने होंगे तभी जाके आप एनालॉजी के नंबर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सही से, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें उदासीनता और उस दिया गया है, उदासीनता और उसमें क्या संबंध है, ये एक अपोजिट लेटर है। उदासीनता का अपोजिट क्या होता है, उत्साह होता है। उसी प्रकार से निंदा का अपोजिट होता है आदर, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर है, एंटोनियम्स दिए गए हैं यहाँ पे हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन 15 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि शब्द संबंधित क्वेश्चन है और शब्द क्या है, खुश और आनंदित। खुश और आनंदित जो है सिनोनिम शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार से आपको उदास का समानार्थी शब्द बताना है, सिनोनिम बताना है। अगर आप विकल्प चेक करोगे, संतुष्ट दे रखा है, मजाकिया दे रखा है, जिंदा दिल दे रखा है, तो ये तीनों शब्द जो हैं उदास के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। उदास का जो समानार्थक शब्द होगा वो उदासी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगर आप इंग्लिश में देखोगे सैड दे रखा है और सैड के लिए जो इसका सिनोनिम शब्द बनेगा वो मोरोसी बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में अलग है और हिंदी के अंदर आप देखोगे सेम ही शब्द दे रखा है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो आपको उदासी लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 जो है अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको पद गिवन है, पहला पद दूसरा पद, इनके बीच में जो भी संबंध होगा वो संबंध आपको तीसरे और चौथे पद में बनाना है। देखो पहले और दूसरे पद के बीच में क्या संबंध बन रहा है, हमें यहाँ पे अक्षर गिवन है जे के
एल एम, और इनके बीच में देखो संबंध क्या बन रहा है, जे का संबंध किसके साथ है, एच के साथ है, के का संबंध एल के साथ है, एल का संबंध के साथ है और एम का संबंध ओ के साथ है। तो देखो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं जे में से दो लेटर पीछे चला जाऊँ यानी कि जे को छोड़ दूँ और आई को छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं के अंदर वन लेटर आगे चला जाऊँ तो जस्ट के आगे क्या होता है, एल होता है, उसके बाद एल दे रखा है। अगर एल में मैं एक लेटर पीछे चला जाऊँ यानी कि जस्ट पीछे चला जाऊँ तो एल के पीछे क्या मिलता है, के आता है। और एम के अंदर अगर मैं दो लेटर आगे चला जाऊँ यानी कि एम छोड़ दूँ और एन छोड़ दूँ तो मुझे ओ मिल जाएगा। तो आप ये संबंध दे सकते हो, -2 +1 -1 और +2 करोगे तो आपको जो आपका राइट लॉजिक होगा वो मिलेगा। और इस लॉजिक को आपको चेक करना है किस में लगा के, पी क्यू आर एस के अंदर। तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, अगर पी में से जस्ट मैं दो लेटर पीछे चला जाऊँ, पी को छोड़ दूँ और ओ को छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा एन। विकल्प में चेक कर लो कहाँ का एन दे रखा है, तो विकल्प ए और सी में दे रखा है यानी कि बी और डी इसका आंसर नहीं बनने वाला है। उसके बाद क्यू है, क्यू के अंदर अगर मैं वन लेटर ऐड कर दूँ, जस्ट एक आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो विकल्प में चेक कर लो कहाँ पे आर दे रखा है, तो फर्स्ट वाले के अंदर एन के बाद आर दे रखा है, सी वाले में एन के बाद क्यू दे रखा है, इसलिए कट जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए अपने आंसर को टिक करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें लेखक और पुस्तक दिए गए हैं, लेखक का काम क्या होता है, पुस्तक लिखने का काम होता है। उसी प्रकार से मकड़ी क्या करती है, जाला बुनती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें शब्द गिवन है 35 और 36, इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और इस 36 में से एक को निकाल दूँ तो मुझे पहले वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसमें से एक को माइनस कर देना है जिससे कि हमें पहले वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का हम लॉजिक लगाएंगे और जहाँ पर भी लॉजिक सही बैठ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये लॉजिक लगाने वाले हैं किसके अंदर, ऑप्शन डी के अंदर, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्राप्त होगा, इसमें से एक को निकाल देंगे तो 120 मिल जाएगा, यानी कि सही लॉजिक बैठ रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 सेम है जो हमने पीछे किया था, एक क्वेश्चन अपोजिट लेटर वाला। यहाँ पे भी आपको अपोजिट लेटर ही दिए गए हैं, जैसे कि सी डी ए एफ का जो अपोजिट लेटर होते हैं एक्स डब्ल्यू जेड यू होते हैं, तो उसी प्रकार से आपको डी ई एफ सी का अपोजिट लेटर बतानी है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वह है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है शब्द संबंधित आया हुआ है, और शब्द क्या है, शोक और सांत्वना। शोक और सांत्वना के बीच में क्या सिमिलरिटी है, जब कोई बहुत ज़्यादा शोक में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उसको हम सांत्वना देते हैं कि आगे ठीक हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें हम उसको बताते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई दर्द में होता है तो उसको हम शमक देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 भी शब्द संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दुलार का संबंध है स्नेह के साथ, दुलार का संबंध किसके साथ है, स्नेह के साथ है, तो ये क्या है, एक सिमिलर शब्द है, जहाँ पे स्नेह होगा वहाँ दुलार हो गई। उसी प्रकार से जहाँ पे फटकार लगाई जा रही है यानी कि वहाँ पे शत्रुता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो अक्षर गिवन है वो अपोजिट अक्षर दिए गए हैं, तो आपको जी के एन पी का अपोजिट अक्षर बताने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है 12 और 42, 12 और 42 के बीच में देखो क्या संबंध बन रहा है,
अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँ एक कॉमन नंबर से, और वो कॉमन नंबर क्या है, 3.5। अगर 12 को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 42 मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, जहाँ पे जो राइट लॉजिक बन रहा है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 को मैं अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 42 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 8 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 28 मिलेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कौन से वाले के अंदर 3.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे राइट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी के अंदर मिलेगा, जो कि पहले वाले पद और दूसरे वाले पद के अंदर लॉजिक लगा हुआ है, उसी लॉजिक के आधार पर विकल्प सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर हमें संख्याओं के साथ संबंध बताना है, जिस प्रकार से 27 और 28 के बीच संबंध है, तो वही संबंध आपको नेक्स्ट किस विकल्प में मिलने वाला है वो बताना है। देखो, 27 और 28 के बीच में क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं दूसरे नंबर के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 8 के अंदर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और इस 24 के अंदर एक बारी और 3 को ऐड कर दूं तो मुझे 27 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, दूसरे वाले के अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है 3 का, उसके बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा फिर एक बारी और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा राइट लॉजिक बन के हमारे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम लगाने वाले हैं अपने विकल्प के अंदर और बताएंगे आंसर क्या होगा। पहले वाले विकल्प में लगाएंगे हम, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से तो हमें मिल जाएगा 9, उसके बाद इस 9 के अंदर एक बार 3 को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12, यानी कि लॉजिक ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बता देना, तो मैं इसका भी डिटेल आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपको अक्षर समूह का संबंध बताना है, जिस प्रकार से पहले पद और दूसरे पद के बीच संबंध है वो संबंध तीसरे और चौथे में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है, पहले और दूसरे पद के बीच में ये दोनों आपस में अपोजिट लेटर हैं, तो आपको अपोजिट लेटर बताना है एफ एच के एम का, वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो अपोजिट लेटर बनेंगे एफ एच के एम का, वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अपोजिट लेटर के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है एनालॉजी के अंदर अपोजिट लेटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आपको ये लॉजिक ध्यान रख के रखना है कि जब भी अल्फ़ाबेट से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको चेक करना है कि कोई अपोजिट लेटर तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं 24 और 56, इनके बीच में जो संबंध बनेगा वही संबंध आपको विकल्प में देखना है। तो देखो, नंबर है 24 और 56, 24 और 56 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था ना, जहाँ पे हम 9 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 8 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें 24 और 56 प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हमें देखना है किस वाले के अंदर लगने वाला है, जहाँ पे एक नंबर कॉमन रहेगा उसके बाद 3 और 7 आने वाले हैं। तो विकल्प सी वाला चेक करेंगे हम और उसके अंदर लगाएंगे यार लॉजिक, यानी कि 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा, और 3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 21 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हुए हैं, बाकी लॉजिक सेम लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, और शब्द क्या है, मौसम और सर्दी, इनके बीच में क्या संबंध बनता है, सर्दी क्या होता है, एक मौसम ही है। उसी प्रकार से अप्रैल क्या है, माह है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, अप्रैल एक माह है, मंथ है, तो इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 भी शब्द संबंधित है, शब्द क्या है, यहाँ पे पाँव और मोजे दे रखा है, तो मोजों को हम कहाँ पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं। उसी प्रकार से पगड़ी को हम कहाँ पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने एनालॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और इसके ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बना दी हैं, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, उनको भी देख लेना, ताकि आपका एनालॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे क्लियरिटी हो जाए और आप
अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कम से कम समय के अंदर अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ सारे के सारे, तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।